बना रहा पाँच ही बनाओ ना इसी वाला है हाँ सर इसको अटैच भी करना होगा क्या अटैच करो ये तो कट कर रहा है ये फ्रिज क्यों नहीं हो रहा है एड करना है हो गया सर इमेज में आ गया आ गए देखो भी एक्सेस है ना अटैच करते हैं देखे ना एफ आई एल है ना ड्राइव जी जब अटैच कर रहे थे तो हाँ वहाँ दिखाता है किसी नाम से उसको कोई लड़क पहुँच सकते हैं चलो कर दी पे ये ध्यान नहीं दिया एफ डी साइड पैनल करो ओके आ गया सर आ गया ये तो अपना है जिस पे हम काम करते हैं यहाँ रखो यहाँ रखो अमर ना तो बुरा चार्जर में बैठ गया ये एफ डी एफ ठीक है जी जी बोलिए ना लिए एफ डी देव ठीक है वही पूरा हार्ड ड्राइव का हाँ एफ डी का वर्जन है ये अब हम यहाँ पे क्या करेंगे एन से न्यू बनाएंगे ठीक है स्टैंडर्ड में ले लो वन पूरा फर्स्ट सेक्टर पूरा लास्ट भी पूरा ठीक है अब एन फोर न्यू करेंगे डिसाइड करेंगे कितने एम बी का जी बी का बनाना डिफॉल्ट ये अभी तो ये वही रहेगा यहाँ पे डिफाइड मान के चलो मैंने ले लिया टू जी बी ठीक है एक बन गया जी पाँचवा नंबर जी एक और फिर एक और बनेंगे एक जी बी बनेंगे फर्स्ट सेक्टर यहाँ पे लिखेंगे हम एक जी बी का ठीक है पी फॉर लिस्ट किया डब्ल्यू फॉर फाइव जी बी एक ग्रुप कैसे वहाँ नहीं बताया सर एक ग्रुप बनाओ हाँ एक स्टैंडर्ड पार्ट दे दिया गया वहाँ से उसको पार्टीशन में बांट दिया पार्ट प्रोब स्लैश देव एक्स बी डी एफ एफ ठीक है अब हम क्या करेंगे अब यहाँ से हमारा दो पार्टीशन बन गया मतलब कि तुम्हारा पार्टीशन फिजिकल स्टोरेज अब हम बनाएंगे पी वी ठीक है ना
हम लिखेंगे यहाँ पे पी वी क्रिएट, ठीक है, जो तुम्हारा हार्ड ड्राइव चाहिए, हाँ, इनका नाम और इनका नाम, इन दोनों को हम फिजिकल पहले वो बनाएंगे, फिजिकल वॉल्यूम आ गया ना, दोनों का ये फिजिकल वॉल्यूम बना दिया, ठीक है। अब तुम यहाँ कमांड दोगे, पी वी एस कमांड दोगे, जाओ तो दो हार्ड ड्राइव तुम्हें शो करेगा, एक 2 GB का और एक 1 GB का है। अब क्या करेंगे हम लोग, वी जी क्रिएट बनाएंगे, वी जी क्रिएट, ठीक है। अब हम इसका नाम देंगे वी जी जीरो, कुछ भी नाम दे सकते हो, वी जी जीरो, के बी सी डी, डी, कुछ भी नाम दे दो। उसके बाद इन दोनों ड्राइव का ले लेंगे, दोनों ड्राइव का नाम, ठीक है, यहाँ पे भी तुम कमांड दोगे वी जी एस तो दिखा देगा वी जी जीरो के नाम से बना है, साइज है उसका 3 GB, अभी टोटल फ्री है 3 GB, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, कम कर देते हैं ना बनाते बनाते कुछ, नहीं कम कर दिया, हाँ क्या 3 GB है ना, फ्री है, फ्री है ना, थोड़े हम किए कहीं, अभी अभी हम बनाएंगे ना, ग्रुप दिए ना, अभी हम पहले फिजिकल वॉल्यूम बनाए, फिजिकल वॉल्यूम के बाद वॉल्यूम ग्रुप बनाए हम लोग। अब हम लोग का लास्ट काम है ये तुम्हारा लॉजिकल वॉल्यूम, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बनाएंगे कमांड एल वी क्रिएट, ठीक है ना, हाइफन एन, एन मतलब कुछ भी नाम होगा यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है ना, नाम देना पड़ेगा किसके नाम से बना रहे हैं। मान के चलो हमें ये MySQL का बैकअप बनाना था, ठीक है, उसके लिए हमें ये 2 GB का पार्टीशन चाहिए, ठीक है ना, तो वहाँ पे LV क्रिएट हाइफन एन MySQL नाम दे दिया मैंने, ठीक है ना, हाइफन कैपिटल L, ठीक है, प्लस 2 G सर, यहाँ एन तो देना है, नाम तो कोई देंगे तो एन रहेगा, एन 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 के बाद एन हाइफन एन रहेगा, उसके बाद नाम कुछ भी दे दो। सर इसमें एल क्या करेगा, एल इज अ साइज, हाइफन एल साइज है, हाइफन एल प्लस 2 GB प्लस उसके बाद हमारा जो वॉल्यूम ग्रुप का नाम था वी जी जीरो, वो हम यहाँ पे वी जी जीरो दे देंगे, मतलब वी जी जीरो में से हमें 2 GB का एक पार्टीशन बनाओ MySQL के नाम से, ठीक है, बन गया। एल वी एस बना दिया उसने MySQL के नाम से, बल वाइस के नाम से वी जी जीरो के अंदर, ठीक है ना, साइज है 2 GB का, ठीक है। अब इसे हम कैसे यूज करेंगे, इसको यूज करना होगा ना, क्योंकि 2 GB किसने बना दिया, अब हम इसको कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हम इसको एम के एफ रूट पे तभी थे सब, तो रूट पे तो चल रहा कमांड ये, अभी पार्टीशन के लिए बता नहीं रहा सर, आगे पढ़ेंगे कमांड है जो कर्नल को बताता है कि जहाँ ये चीज बन गया, ठीक है जी सर, सही हो जाइए, बना दिए, अभी ये इसको हम कैसे उसको यूज करेंगे, हाँ एम के एफ एस तो नहीं माउंट करेंगे, हाँ माउंट ही करना पड़ेगा ना, एम के एफ एस हाइफन टी जो कल हम लोग कर रहे थे फॉर्मेट, हाइफन टी एक्स एफ एस, अच्छा एक 2 GB को हम फॉर्मेट कर देते हैं, बिल्कुल खाली कर देते हैं, अच्छा हमने पार्टीशन अलग बनाया तो खाली करने की जरूरत है, खाली है ही ना, वो डिफरेंट चीज़ है, फिजिकल आपने एक पार्टीशन, हमने यहाँ पे 2 पार्टीशन को मर्ज करके एक बना रहे हैं, राइट, तो उसको तो खाली करना पड़ेगा ना,
एक बाई कमांड तुम खाली करके देखो, ऐसे कोई चीज़ हम डालते हैं। अरे तुम ये बस बताओ, तुम डी ड्राइव बनाते हो, डी ड्राइव फॉर्मेट नहीं करते हो? बिल्कुल, असल ऐसे दिखता है, कभी कभी नहीं दिखते हैं, कभी कभी पूरा खाली दिखता है, डालने जाओ तो डालता है। ना ना वो बात अलग है, एक लॉजिकल वो बात अलग है। देखो सिंपल तुम एक बात बताओ, घर बनाते हो, रहने जब जाते हो, सफाई करते हो ना, तो सफाई करना ये फॉर्मेट, घर बनाना ये पार्टीशन, ठीक है? आप उसमें कमरे बना रहे हो, एक अपने घर खरीद लिया, घर खरीद लिया, घर मतलब पूरा एक हार्ड डिस्क प्लॉट, पूरा हार्ड डिस्क आप उसमें डिवाइड करके जो कमरे बनाते हो, दैट इज कॉल्ड पार्टीशन। जो आप रहने जाते हो फिर सफाई करते हो, दैट इज कॉल्ड आपका वो फॉर्मेट। तो हमने एक नया अभी हार्ड ड्राइव लिया AWS से, फिर हमने उसमें से दो पार्टीशन बनाए, दोनों ऐड किया, अब दोनों को ऐड कर दिया। अब हमने एक पहले PV बनाया, PV के बाद हमने VG बनाया, अब हम LVM, अब हम लॉजिकल वॉल्यूम बनाते जाएंगे छोटे छोटे टुकड़े। किसी को 2 GB चाहिए तो हमारे पास इतना बंडल है जी, ठीक है 2 GB तुम ले लो, 5 GB तुम ले लो, इसको बांटने के लिए सिर्फ LVM की ही जरूरत पड़ेगी। तो बात दी उसे MySQL को 2 GB दे दी। हाँ 2 GB दे दिया, हमारे पास 3 GB बचा है। नहीं नहीं 1 GB बचा ना सर। अच्छा हाँ 3 GB का तो बनाइए टोटल। हाँ 2 GB लेते, 1 GB बचा है हमारे पास। तो MKT-XFS अब यहाँ पे वही दो डेव नाम VG0, क्या नाम दिए थे हम VG0 MySQL, नहीं दोनों को ऐड करके जो दिए थे ना सर MySQL VG0 वहाँ से देना है, नीचे से देना जीरो है सर। XVDF खोज रहे हैं ये साला, यहाँ पे ना इस नाम से शो करने लगता है, देव मैपर VG0 MySQL। अच्छा मैपर इसमें लगा दिया, मैपर लगा देता है बाय डिफॉल्ट ही, ठीक है, इसीलिए नहीं तो उसी पूरा MySQL खोजता है। नहीं चला, चल गया, कल यही तो फॉर्मेट कर रहा था ये। अच्छा हाँ ऐसे ही तो है, ठीक है VG0 MySQL फॉर्मेट कर दिया। अब हम एक डायरेक्टरी बना लिए, मान के चलो MySQL के नाम से एक डायरेक्टरी बना लिए, अब हमने कर दिया इसको माउंट, ये पूरा पार्टीशन का नाम दोगे, ठीक है स्लैश नाम उठाया था वहाँ पे, सर वहाँ पे तो दिख नहीं रहा था ना सर, यहाँ पे पूरा तुम्हें नाम डालना पड़ेगा, डिवाइस मैपर VG0 दिख नहीं रहा था ना सर, तब क्या किए थे आप? स्लैश डेव के अंदर जाके टैब मारा मैंने, टैब मारा तो दिखा मेरे को कि एक मैपर दिखा रहा है, देखो आ गया टैब मारा था मैंने मैपर, हाँ करके कर रहा था तो डिवाइस मैपर आया उसी नाम से। सर आप कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा, क्या MySQL तक तो सही था जो आप बनाए 2 GB से दिए, उसके बाद जो किए। अब तुम देखो फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट करने के लिए जो पार्टीशन दोनों जो बनाया है दोनों का फॉर्मेट करेंगे, एक ही तो फॉर्मेट करोगे ना, जो तुमने 2 GB का बनाया LVM LV क्रिएट कमांड से उसी को फॉर्मेट करोगे ना, तो उससे फॉर्मेट करने के लिए उसको तुम्हें नाम पता होना चाहिए पूरा, यानी कि एक नाम जो बचा है उसे छोड़ देगा अभी जो 2 GB। हाँ अभी 2 GB बचा उसको कर रहे हैं, ठीक है अब हम इसमें माउंट कर दिए। अब हमारा देखो VGS तुम करोगे ना तो बता देगा ये 2 GB साइज है और 1 GB ही फ्री है तुम्हारे पास, 3 GB में से 2 GB ले लिया ना हमने तो 1 GB तो बचा उसके पास। यहाँ अलॉटमेंट दिखाता है क्या, इसके अलॉट हो गया, यहाँ अलॉटमेंट दिखाता है सर, 2 GB हम VGS किए तो होल दिखा दिया ना, 2 यहाँ 1 फ्री, इसमें दो किसे दो अलॉट किया गया वो दिखा रहा है LVS में दिखाएगा ना ये, इसमें 2 GB किसको दिया ये MySQL को दिया, और जितने भी होंगे सबको दिखा देगा यहाँ पे, लिस्ट कर देगा। अमाउंट कर दिया हमने, अब जो भी इसके अंदर राइट करेगा MySQL के अंदर वो न्यू हार्ड ड्राइव के अंदर जाएगा, ठीक है 2 GB का। इनकेस अब कोई कहने लगा रहे मेरा 2 GB तो भरने लगा, तो आप यहीं से बैठे बैठे उसका बढ़ा दोगे
जिसमें सिस्टम को कोई रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सेम सेम कमांड नहीं, कमांड दूसरा होगा। ये तो हो गया नॉर्मल करना पड़ेगा क्या? ये LVM एक्सटेंड कमांड चलता है। एक्सटेंड एक्सटेंड हाँ, ये हो गया नॉर्मल कमांड। हाँ ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्या पहले यू माउंट स्लैस MySQL कर दूँ, रख लो अपने पास ही। अब यहाँ नहीं आना, हम लोग भी देख लेंगे। क्या हुआ? लग जाती है सब। करंट लगा? करंट लगा क्या? नहीं, करंट क्या लगेगा? ये तो कम किया चाहिए। हाँ सर, क्या पहले क्या चलाऊँ मैं? यू माउंट। अच्छा, माउंट से हटा दो। हाँ, यू माउंट। ओके सर, सेशन एक्सपायर। यू माउंट स्पेस। एक मिनट सर, सेशन एक्सपायर। वो MySQL का अनमाउंट कर देना, ठीक है? एक सेकंड, कर रहा हूँ। मैं देखते हैं कितना तुम तेज समझते हो। यू माउंट करके पहले अनमाउंट कर देना MySQL को, फिर LV रिमूव कमांड होगा और वो फिर LVM का नाम देना। क्या होगा, नेटवर्क नहीं चल रहा है क्या? नेटवर्क किस चीज़ का सो रहा है? ये तो चल रहा था। चल रहा है सर। बोलिए सर, क्या यू माउंट माउंट हाइफन टी? MySQL होगा ना? SQL मार दिया, इंटर कर दो। अभी ड्राइव फ्री हो गया, ठीक है ना? ठीक है। अब तुम काम करो LV रिमूव। LV एक साथ होगा? अच्छा, साथ ही में। पहले रिमूव LV करूँगा। LV रिमूव, LV हम लोग क्रिएट कर चुके हैं ना। हाँ, यानी कि जैसे जैसे बनाया LV रिमूव पूरा लिखो। हाँ सर, जिस तरह से बनाया उस तरह से करते जाएंगे। डिवाइस मैप और MySQL कर दो। अच्छा, मैं कुछ करके उड़ाते हुए ये आ रहा है, मैपर तो नहीं आ रहा। डिवाइस मैपर हो गया। पर तो क्या था इसके मुझे? नहीं लिखे हो मैं पर MAPPER। सर मैपर नहीं ले रहा है, स्पेलिंग गलत हो रहा है क्या? MAPPER ले रहा हूँ तो नहीं ले रहा। अच्छा, डिवाइस की जगह डिवाइस का टैब मारो। अच्छा, या तो वीच जीरो आएगा। हाँ, वही आया था। हाँ, आ गया ना। हाँ ठीक है, कर दो। वो तो आया था पर मैपर नहीं आया था। बोल रहे हटा रहे हैं हम। ठीक है, अब LVS कमांड दे के देखो। अब नहीं दिखाएगा? नहीं नहीं है ना। आप फिर तो वो
VGS दबाओ, VGS कमांड है यहाँ पे, टोटल आ गया ना साढ़े तीन जीबी बस। इसको भी हटा दें, इसको भी तो डिलीट कर। अच्छा जैसे LVS रिमूव से हटाए इसको, वैसे इसको भी हटा सकते हैं ना, VGS रिमूव। हाँ VG रिमूव। अब यहाँ पर टैब मार के कमांड को वेरीफाई करना अच्छे से, यानी कुछ भी टाइप कर देना। ठीक है सर, जैसे हम VG रिमूव डालेंगे सर। डालो 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 VG रिमूव। VG रिमूव टैब डाल रहा हूँ ना, VG रिमूव आ गया। हाँ आ गया। स्पेस वही VG0 नाम दे दो, VG0 जो नाम दिए थे ना हम लोग, यहाँ पे वो देव ना दो, ना 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 डायरेक्ट ऐसे VG0। हाँ इसका नाम है ना VG0। ठीक है सर, इंटर मार दो, रिमूव। हाँ VGS करके देख भी लिया। आप टीवी रिमूव करो, पता चल रहा है जो बनाया था हम, डिलीट टीवी रूम के देखने के लिए TVS होगा ना। VGS डिलीट हो गया कि नहीं हो गया ये देखना है। VGS तो डिलीट हो गया, डिलीट हो गया ना। हाँ अभी PVS में, PVS में दिखा रहा होगा ना दो हार्ड डिस्क, तो वो कैसे देखेंगे PVS को? PVS कमांड चलाओ, PVS। हाँ ये दिखा रहा है, दो हार्ड डिस्क दिखा रहा है जो हम फिजिकल बनाए थे। PVS कमांड चलता है फुल में PV डिस्प्ले। इसको भी डिलीट मार दो, इसको फुल में कोई VG डिस्प्ले भी बोलता है, कंफ्यूज मत हो जाना। PVS और VGS कमांड, ए जो बनाना को अपने ना। अच्छा सर, इसको रिमूव करने के लिए दोनों हार्ड डिस्क का लेना पड़ेगा ना। हाँ PV देखो, PV रिमूव लिखो। हाँ लिख दिया, देखो स्पेस दोनों पार्टीशन का नाम। हाँ हाँ स्पेस स्पेस करके दोनों पार्टीशन का नाम। ठीक है कर लिया। हो गया, क्या करना है हट गया सर, हट गया। तो 5 GB बचा है। अच्छा जब तुम PVS2 चलाए थे जी, वहाँ पे आ रहा था ना PVS2 आ रहा था। हाँ आ रहा था PVS2 आ रहा था, PVS2 आ रहा था। आप कौन सा पूछ रहे हैं सर? PVS कमांड में आ रहा था क्या वो? क्या नहीं सर कुछ नहीं, पी साइज तो नहीं आया, रिमूव किया था तो दिखा रहा है। PVS कमांड चलाते ही नहीं चलाए थे? हाँ चला दिया, यही है ना PVS चलाया था तो ये दिखा दिया दोनों। अच्छा दो हार्ड डिस्क, हाँ डिस्प्ले भी होता है। PVS डिस्प्ले और नहीं दिखाएगा, PVS डिस्प्ले। और पार्टीशन तो डिलीट मार दिया मैंने, पार्टीशन कहाँ डिलीट मारे थे। अच्छा नहीं आ रहा, फेल्ड टू फाइंड फॉर फिजिकल वैल्यू, पूरा नाम दिया हमें F1। हाँ क्योंकि डिस्प्ले एक साथ है ना, ठीक है रहने दो उसको। हाँ मैंने नाम दिया था सर, देव स्लैश XVDF1। ये तो फिजिकल देखने के लिए हुआ। लिख लो PV ऐसे कमांड लिख लो, PV डिस्प्ले। सर PV डिस्प्ले क्या करेगा?
क्यूबी डिस्प्ले और जो तुम पार्टीशन का नाम दे देना सिंपल क्यूबी डिस्प्ले चला दोगे टीवी का नाम दिखा देगा, ठीक है ना, इस वॉल्यूम के साथ ही अटैच है उसका भी दिखा देगा सर। वो तो ठीक दिखा दिया सर, और हम यहाँ तक देख लिए पी वी एस चला लिए, और जो हमारा पार्टीशन है उसको देखने के लिए क्या करेंगे? एफडी हाँ एफडी साइपन एल कर दूँ ना। हाँ आ गया सर। टीवी डिस्प्ले और डिवाइस का नेम इसको सब बढ़ाना है, एक ही हार्ड डिस्क से बना रहे थे टीवी क्रिएट, देखो टीवी क्रिएट, एक मिनट टीवी क्रिएट, अरे नहीं आपको पूरा अभी करना पड़ेगा। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, सारे मार दिया, नहीं बन गया है वो वीजी कर रहा हूँ सर, वीजी क्रिएट हो गया, नाम दो वीजी का, कोई भी नाम दे दो, नाम दे दो एम आर, ऐसे जो स्टैंडर्ड साइज स्टैंडर्ड नाम भी लिखना चाहिए तो वॉल्यूम बिल के नाम से ही, जैसे वीजी जीरो लिख दिया, वीजी वन लिख दिया, चाहे तुम्हारा जिस जिस पर्पज़ के लिए बना रहे हो तुम, ठीक है, वीजी का नाम लिखा वीजी वन कर दे रहा हूँ, हाँ वीजी वन, और फिर देन वही फिर पार्टीशन का नाम लिख दिया दोनों पार्टीशन का, हो गया सर। अब इन कमांड चला के देख लो, वीजी वीजी पीवी डिस्प्ले ये बन गया, अच्छा हाँ पीवी डिस्प्ले, ये टैब से नहीं आता है क्या सर? पीजी लिखो पीवी पीवी या वीजी पीवी 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 डिस्प्ले स्पेस, हाँ एक पार्टीशन का नाम लिखना है प्लस DF1 5 लिखना है, हाँ सर सिर्फ एक का नाम देव स्टूडियो ये दे दे रहा हूँ ना 5 का स्टूडियो XVDF5, हाँ दिखा रही है सर, 1P सब दिखा रहा है ना, 4MB इसका मेंबर है वो सब दिखा रहा है ना, पी साइज 4MB बता दिया, टोटल ग्रुप का है वो भी नाम बता रहा है, टोटल पी 511 क्या दिखा रहा है सर, 511 दिखा रहा टोटल, मतलब एक जैसे तुम्हें कितना टोटल जो बन गया ये हार्डवेयर हमने दिखा दिया था हम लोग, ये हाँ 2GB है ना, 2GB कितना हो गया, 2GB 2048 यहाँ पे एक UID जनरेट हुआ है सर, पीवी UID अगर मैं इसको ले जाकर हम वहाँ पे VI में करें तो अब उसी तरह पीवी डिस्प्ले हो गया ना, वीजी डिस्प्ले कर लो, वीजी डिस्प्ले वीजी अभी बनाए कहाँ, अच्छा बना दिया वीजी डिस्प्ले, वीजी वन लिखे थे क्या लिखे थे, हाँ वीजी वन उसका नाम बता दिया, इसमें तो बहुत सारा बताया, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताया, इसमें फॉर्मेट VV2 मेगा डेटा माटा डेटा डेटा साइज वाइज में सब बता रहा होगा नीचे, हाँ सर PG साइज बता दिया 3GB, PE साइज 4MB, टोटल साइज 766 PE टोटल, हाँ ठीक है अलॉट किया गया वो बता दिया,
फ्री बता दिया, एक्सेसरी तो बता रहा है, रीड राइट रियलाइज। ठीक है, देखो टोटल दिखा रहा है, टोटल साइज कितना है 2.9 GB। अब मान के चलो 2.9 GB तुम्हारा फुल हो गया जी। ठीक है, ऐसी ऊपर से रिक्वायरमेंट आया कि जी स्पेस का फुल हो गया है, कहाँ से किया जाए आपको? ठीक है जी, आप हमें नया हार्ड डिस्क मार्केट से ला के दो, हम सर्वर में कर देंगे, कोई डाउन टाइम नहीं चाहिए हमको। तो आपको ला के उसमें एक हार्ड डिस्क दे दिया। ठीक है, ठीक है, हार्ड डिस्क से आपने एक पार्टीशन उसका बना लिया है, वहाँ पर जाकर मत बना, इसे नहीं मत बना, उसका नाम देख शो करेगा ना LDF करके, जब भी नाम शो करेगा उसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस वॉल्यूम जो बनाया है डिजी क्रिएट उसके साथ तुम्हें इसको अटैच कर देना पड़ेगा। और 1200 GB खरीद के ले आया तुम्हारा, अभी एग्जिस्टिंग मान के चलो 100 GB का चलो, टोटल मिला कितना हो जाएगा 200। तो उसके अटैच करने का अलग तरीका होगा, अभी तुम्हारे पास हार्ड डिस्क तो है नहीं, लेकर आए क्या स्टैंड में? नहीं तो हम एक चेक कर लेंगे ना अभी। तुम एक काम करो, अभी 5 GB में से हमने 2 पार्टीशन 2 और 1 GB को बनाया था ना, अभी 2 GB बाकी है वहाँ पे। तो तुम अभी जाओ वहाँ पे FDX और करके DevSlash FDX करके FDX कर रहा हूँ, FDX/DevSlash FDX Slash Dev FD and XDF हो गया सर, हो गया ना? ये तो वेलकम टू FDX until Linux ये सब वर्जन दिखा रहे हैं, कुछ गलत लिखा। अरे जब तुम जैसे पार्टीशन करने के लिए जाते हैं वही तो है M4L, वही है ना, पी फॉर लिस्ट करो। ठीक है, एन कर दिया हमने, ये रहा ना सर, दो पार्टीशन बने हैं ना 5 और 6 वाले। हाँ, ये तो किया था यार, आ गया ना 5 6 वाले जो 2 GB के 3 GB के थे, 2 GB और 1 GB। अब एक नया बनाओ न्यू, वो भी 1 GB का और बना लो, देखना कोई ना दिखाई। ठीक है, पार्ट W करके राइट कर दो, अब पार्ट क्रॉस कमांड कर, पार्ट लिखना PART था बस तो ना, नहीं नहीं उसके बाद देना था हाँ सर, इसी पार्टीशन को देना है ना पार्ट प्रोब में? नहीं, पार्ट प्रोब में कभी भी हार्ड डिस्क का नाम जाता है XDBF, यही बस यही। कितनी बार चला यार? नहीं नहीं तो देव नहीं दूंगा, देव दोगे हाँ, 1 2 3 लास्ट का नहीं दोगे, जो भी 5 6 7 है। अच्छा, XDBF हाँ ठीक है, ठीक मैं बात हूँ प्रैक्टिस ये कहाँ जहाँ में आ गया कल से याद हो जाएगा, याद कर लेंगे 10 बार करेंगे मैं जब तक कुछ पैसा ना भेज देंगे। दूसरे ए टी एम ऐड कर देंगे, दिक्कत कहाँ लोगे? शेखर का ए टी एम भेज दी, मेरा तो ऐड नहीं आया, शेखर का ए टी एम भेज दी, तेरा सिस्टम बना अब बना कर लीगल ए टी एम डालवा दो, पैसा काटेगी 4000 एक महीना से जरा इसके बाद कितना वन कर देगा तो मैं तो ये लोग जैसे करा लिया, कब लाया था लैपटॉप? करा के क्या कर लेगा? आई
चलाओ हाँ, तो अभी नया बनाया अभी, ठीक है। अभी तुम क्या करोगे, कमांड चलाओ पीवी क्रिएट, पीवी क्रिएट नया वाले का नाम दो स्लैश डेव xvdf 7। क्या होता है, अरे इसको डबल क्लिक कर दो, सेव हो जाएगा ये ऐसे ना, नहीं इसको डबल क्लिक करो, हाँ अब जाकर वहाँ पे वो कर दो, टैप करूँगा तो आ जाएगा F1 7 है ना, गलत लेगा, पेस्ट करने के लिए सिर्फ इंसर्ट होगा, 7 होगा, ठीक है सर। इंटर मारो, अब तुम कमांड चलाओ पीवी डिस्प्ले, देखो सब अलग अलग हार्ड डिस्क आ गया ना, पहले 5-6 था और ये 7 भी आ गया। अभी तुम्हारे फिजिकल वॉल्यूम में ये ऐड हो, ठीक है, यानी कि एक्सटेंड हो गया सर, नहीं अभी एक्सटेंड हुआ नहीं, फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट हुआ है, कन्वर्ट हो गया। आप यहाँ पे चला वीजी एक्सटेंड, तुम्हारे सामने चल रहा, लिखते जाओ तुम वीजी एक्सटेंड, ठीक है, वीजी एक्सटेंड, हाँ वही देख रहा था, स्पेस वीजी का नाम क्या था तुम्हारा, अच्छा VG1 था ना, VG1 देन स्पेस ये पार्टीशन का नाम दे दो स्लैश डेव जो भी था 7 वाला, यहाँ पे तो अलग दे रहा है SDF7, हाँ यही दो, यही दो, यही दो, इंटर। अब VG डिस्प्ले चला, देखो कितना खास सर एक्सटेंड हुआ जी, हो गया फ्री साइज, पहले 2.99 दिख रहा था, 3.99 GB हो गया, 4 GB हो गया। हरा दीजिए, अब इसको हम ग्रुप ग्रुप बना दिए, बन गया VG के अंदर आ गया, अब LV कर सकते हैं, अब तो मेरे भी क्रिएट करके बढ़ा दो, ठीक है सर। असर नहीं है, अब तुम किसी को बढ़ा के दोगे ना, कोई मान लो चुका मरना, कोई तुम्हारा वो है डेवलपर है, तो काम करना चाह रहे थे उसको पार्टीशन बना के दोगे ना LV क्रिएट, तो अभी क्या करूँ, LV क्रिएट करूँ, LV क्रिएट, हाँ स्पेस हाइफन एन, हाइफन एन स्पेस नाम दो इसका VG1 अपना मन से वैसे क्या होता है, मैं हाँ मैक्स डाल दिया, स्पेस हाइफन कैपिटल एल, अच्छा कैपिटल ऑलमोस्ट कैपिटल एल में ही बनता है ना सर, हाइफन कैपिटल एल स्पेस प्लस साइन, प्लस साइन 1G कैपिटल जी, ठीक है, जेटा 1 GB का बना स्पेस भारत का कभी जीवन था, हो गया बन गया, अभी 1 GB का बन गया, ठीक है। सपोर्ट डेट अमरनाथ बोल रहे हैं कि हमारा 1 GB फुल हो रहा है, आप हमें पढ़ा के दीजिए, तुम्हारे पास VG में स्पेस आ गया है, ठीक है ना, आ गया ना VG में, तो यहाँ पे तुम काम करोगे LV एक्सटेंड कमांड चलाओगे, चलाओ LV एक्सटेंड, हाँ देन स्पेस हाइफन कैपिटल L 1 GB प्लस, हाँ प्लस 1 GB then space max, तो नाम दिया सर, हाँ इसका वाला नाम देना पड़ेगा स्लैश डेव, तो हो गया सर, टैप दो, हाँ आया ना ये, दे दो, हो गया।
तो सर मेन तो यहाँ उठाता है, उसके बाद एलवी खाली अब रिसाइज लिखो, रिसाइज आर ई एस आई जेड ई रिसाइज आर ई एस आई एस आई जेड रिसाइज जो कैसे होता है टैब मार के देखो रिसाइज करो ना। अरे टैब मारने के लिए बोला मैंने, रिसाइज टू एफ एस होता है, रिसाइज टू एफ एस है। ऐसे नहीं हुआ है पहले काम करो तुम, पहले इस डायरेक्टरी को तुम माउंट करो, नहीं अभी तो फॉर्मेट करना पड़ेगा तुम्हें। रिसाइज टू एफ एस लिखो, रिसाइज टू टू एफ एस प्लस देन स्पेस, इसका नाम दो स्लैश डे ओ स्लैश वीजी मैजिक नंबर ऑफ सुपर लॉक 22 मैक्स। अभी इसके लिए फॉर्मेट करना पड़ेगा ठीक है, तो वो बढ़ा देगा। फॉर्मेट कर दो, लिख दो एम, ये इसका कर वही वाला टेस्ट कर लो, एम के एफ एस एम के एफ एस स्पेस हाइफन टी ई एस टी फोर कर दो, ई एस टी फोर फोर देन स्पेस इसमें क्यों करेंगे। अरे पूछ रहा था जो ई एस टी फोर देन डेव वही नाम दो वीजी वन मैक्स परमिट कर दिया ना लग तो रहा। अभी एम के डी एयर करके फोल्डर बना, क्या हुआ कुछ नहीं रहेगा डिलीट कर देंगे इसमें तो रहेगा डिलीट कर देंगे जी। हाँ बना दिया, माउंट करो तो बताना पड़ेगा मेरे को, खुद नहीं सोच रहे तुम स्पेस उस पार्टीशन का नाम दो जो स्लैश डे हो सब विचार पर करेंगे तब जाकर स्पेस माउंट पॉइंट कहाँ बनाए थे, यहीं पर बनाए हो क्या। हाँ कभी भी ना स्लैश पे बनाना चाहिए पार्टीशन। हाँ अब डी एफ एनेज करो, डी एफ साइज बता दे ना कितना जीबी दिखा रहा है, 1 जीबी नहीं नहीं 2 जीबी का 1 जीबी है, 2 जीबी है, 2 जीबी का सर 1.8 दिखा रहा है सर। उस समय एलवी की रेट से कितना बनाया था तुमने, 1 जीबी 1 जीबी बनाया था ना। हाँ अब अवेलेबल 2 जीबी कैसे हो गया। अरे तुमने बढ़ाया नहीं था उसका एलबी एक्सटेंड करके। हाँ। एलबी ऐड करती है ना, अगर कभी दिखाए ना तो उसको तो रिसाइज टू एफएस कमांड जब चला दोगे ना। हाँ यहाँ दिखा देगा, पर यहाँ पे तो दिखा दिया अवेलेबल भी दिखा दिया। ठीक है जी गोविंद जी, ठीक तो है सर लेकिन विचार करेंगे तब ठीक होगा, कुछ तो करना पड़ेगा सर, कम से कम 7 और 5 हज़ार तो इतना सर हो गया कि अब फिर डिलीट भी बोल रहे हैं हम लोग, माउंट डिलीट का अनमाउंट कर रहा हूँ मैं आपके अंदर डिलीट का होता है, रुक जाओ अभी आगे कहीं करना पड़ेगा। 1 जीबी का है, हाँ मूव कर मैंने एक्सटेंड किए तो 2 जीबी होगा। टोटल कितना है, एबीजीएस देखो तो एबीजीएस कितना है, अगर इसका कोई वो भी तो होगा हेडिंग में एक तो एक्सटेंडिंग होगा, टोटल बीजीएस 4 जीबी होगा ना सर, 4 जीबी है ना।
जैसे कि मान के चलो कि 4 GB में से मान लीजिए जो लास्ट वाला ऐड किया था ना, तो हमें दूसरे किसी फिजिकल वॉल्यूम को देना है, ठीक है, हमें फ्री करना है। यहाँ पे लिखो pv move पूरा मूव लिखो, हाँ move देना स्पेस, जो तुम्हारा लास्ट वाला पार्टीशन का नाम था वो देव करके देव था यार। यही था ना फिर देव वीजी वन अच्छा दे दिया सर no data to move for VG1 ये VG1 को move नहीं कर रहा है। एक्सटेंड किए हुए डेटा को हटा सकते हैं जो हमने एलबी रिड्यूस, हाँ तो हटा कर देखते हैं। चलो पहले वीजी रिड्यूस करो ना, वीजी सबसे पहले एलबी करना पड़ेगा। यूजिंग द पीजी मूव टू 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 मैंडेट टू ट्रैक टू स्टोर ऑल अदर वैल्यू इन द अनएक्सपेक्टेड पावर लॉस शेयरिंग पहले एलबी करना पड़ेगा ना, उसकी बात कर रहे हो तुम, जो तुम 2 GB का बनाया होगा एक्सटेंड कर दिया होगा, करो एलबी रिड्यूस, एलबी रिड्यूस ऐड करके तो हम दूसरे को देंगे वो एलबी रिड्यूस और ये हां मूव साइकिल कैपिटल है कैपिटल और अभी प्लस 10 GB और प्लस 1 GB कर दो, प्लस 1 GB देव देव मारो ना अगर डिसाइड नहीं कर रहे थे साइज में नॉट बी पॉजिटिव इनवैलिड आर्गुमेंट फॉर साइज नहीं करने दे रहा। अच्छा रुको अभी इसको करेंगे, ठीक है पहले वो करो बीजी रिड्यूस करो, बीजी रिड्यूस प्लस जेव नो कमल अरे ये
टैप दो, टैप टैप करो, ये अपर रुक गया, अपर रुक गया, कमांड दो। अगर वी जी रिड्यूस से पहले वो नाम दो, वी जी वन कहाँ से रिमूव करे वो बताना। यहाँ पे वी जी वन, हाँ वी रिमूव हो गया, ठीक है। अब वी जी एस कमांड चलाना, मतलब वो हार्ड डिस्क तुम्हारा एक दिन फ्री कर दिया। अब वहाँ तो कराना तो पी भी रिमूव, पी भी रिमूव ना, यही ना मूव की रिमूव चलाना, चलाना नो एक्सटेंडेड वैल्यू फॉर द लोकेशन, ये तो अलग ही होगा। आ गया जल्दी जा, एक्सटेंड वैल्यू को ही करेगा सर रिमूव। क्या हो तो गया ही है, कहाँ है वो नहीं हो रहा ना मूव नहीं। पीवी मूव का जो मतलब बता रहा है, बिफोर पीवी यूजिंग पीवी मूव इट इज रिकमेंडेड टू बैकअप स्टोर ऑल लॉजिकल वॉल्यूम इन द वॉल्यूम ग्रुप, अनएक्सपेक्टेड पावर लॉस ड्यूरिंग द ऑपरेशन में लीव द वॉल्यूम ग्रुप इनकंसिस्टेंट, दिस कुड कॉज लॉस ऑफ डेटा लॉजिकल वॉल्यूम इन द वॉल्यूम ग्रुप। अच्छा पीवी, देखो पीवी फिजिकल, पीवी मूव इज यूज टू रिलोकेट एनी फिजिकल एक्सटेंस यूज ऑन द फिजिकल वॉल्यूम टू द अदर पीवी इन द वीजी, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ देयर आर एनफ फ्री एक्सटेंस इन द वीजी। अगर तुम्हारे पास पी वैल्यू है ना एक्सटेंस में ज़्यादा फ्री बचे होंगे तभी ये दूसरे वॉल्यूम में ये जाके मूव होगा। जैसे हमारे पास एक और फिजिकल वॉल्यूम होता ना पी वी, जैसे हमारे पास पी वी एस में देख रहा हूँ सर, अपने पास इतने हैं सेवन है ना, हाँ तीन बना रखे हैं हम लोग पी वी एस, वन जी बी सर, एक को एम बी में बनाए हैं अभी हम लोग, इसमें एम बी में क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हम जब भी बनाया तो जी बी में बनाया, 1020 एम बी है ना। अच्छा कम हो गया, लास्ट वाला जो बना है वो है क्या ना। देखो या तो बोल रहा है पी वी मूव से एक्सटेंस कर लो, रिमूव कर लो, साइज कम कर लो वॉल्यूम ग्रुप का, या तो वी जी रिड्यूस कमांड से कर सकते हो, ठीक है। हमारा वी जी रिड्यूस कमांड से पी वी वाला नहीं चलता, पी वी वाले को हमें करने के लिए दो फिजिकल वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। तो अपने पास तो है दो, एच डी एफ सिक्स है, एच डी एफ सेवन है, सेवन वाले एल जी वाला हो गया सर। एल वी एस देखता हूँ, अपना एल वी एस तो है ही है अभी, इसको भी तो हटा दें, किराने दें, काम करो पी वी रिमूव चलाना। इसके लिए तुम्हारा ये अलग है ना, हो गया। अब पी वी एस करो,
तो वही लिखा ना मैं अब करना तो पी वी लूप वही नाम दो सेवन हो गया अच्छा कुछ देना है क्या इसके आगे XBF होता है ना सर अगर हम मूव कर रहे हैं तो कहीं तो बताएंगे जो कहाँ मूव कर रहे हैं XBF 7 ले रहा था नहीं है नहीं 6 है चलो एक काम करो इसको रहने दो इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ ठीक है इसके रहने तो कन्फ्यूज जाएगा तुम लोग भी है ना ये डिलीट मार दो सर सारे जो अभी बना है हाँ सर अभी पड़ी भैया कल फिर एक अगली क्लास में सर एक करके भी ये वाले कमांड चला लेंगे जितना जितना वो उतना समझ जाएंगे उसके बाद सर इसको सबको डिलीट मार दो
अनमाउंट तो कर दिए हैं एल बी की सर एल बी रूम में मैं मैक्स डालूंगा ना मैक्स एल बी रिमूव मैक्स का नाम से बनाए हो जाओ ये पूरा नाम ऐसे ऐसे नहीं है एल बी रिमूव फ्लैश ओहो नहीं है ना सर अब करो सी वी नहीं वी जी रिमूव वी जी आ रही आ गया तो एम तुम लिखो एम अब यहाँ पे देंगे वी जी वन हो गया सर और पी वी एस में देख रहे हो ए तीन है पी वी रिमूव कर दो पी वी रिमूव डेविड टी एफ सेवन एक साथ ही सब दे दो एक ही साथ दे दो इसको क्लिक करो राइट वहाँ राइट क्लिक करके जाके इसको भी क्लिक करो राइट क्लिक करो क्लिक करो ओके अब तुम जाके एफ डी प्लस एल से तो वो देखिएगा साइज है ना तुम डिलीट भी तो मारना है ना इसको हाँ जब एफ डी स्लैश डेव एक्स वी डी एफ है ना हाँ एफ डी ना मैंने भी लास्ट पहली बार हाँ सर ये एफ डिस्क है एफ डिस्क में डिलीट करने से स्पेलिंग तुम हमेशा तुम टैब नहीं मारते हो वेरीफाई भी नहीं करते हो कमांड से लिखे हो गलत लिखे हो नहीं ऐसे तुम्हारे ऐसे तुम्हारे कितने एरर पकड़े जाएंगे हाँ एफ डिस्क हार्ड डिस्क का नाम दो ना जैसे हम लोग फॉर्मेट करते हैं पूरे एक ही साथ दे हाँ मैं सोचा एक एक करके देना तो फिर ये पूरे हार्ड डिस्क में जाओगे तुम हार्ड डिस्क अंदर जाओगे यहाँ रिमूव वगैरह तो लिखेंगे रिमूव हम लोग पार्टीशन कहाँ से डिलीट करते हैं एफ डी से इधर जाते हैं न्यू क्रिएट करते हैं ना एन फॉर न्यू डी फॉर डिलीट अरे सर दिमाग काम करना सब ये डालो समझ गया ये डालो कॉपी करो पेस्ट करो वहाँ पे लिख दिया कौन सा कलर डिलीट करे वो लिख रहा है डिफॉल्ट लिखोगे कर भी तेरे सात नंबर पहले डिलीट करेगा ये ठीक करो छः हो गया अभी ये बचा है ना करो चल करो हो गया अभी पार्ट प्रो चलाओ पार्ट प्रो पी आर टी तो अब देना होगा ना क्या दे अब भी है स्लैश डेव एक्स बी डी एफ वन नहीं लेना है अच्छा इसके तो रुक दूँ